الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله एक मरतबा और इस जुमा को अल्लाह सुबहाना ताला ने हमें बगैर कोई फितना व फसाद न जिस्मानी न माली नुकसान पर यानी बिल्कुल सुकून और पीसफुली फजर की नमाज को उठाया और आज जुम्मा का बाबरकत दिन है और रजब का हुर्मत वाला महीना है। फजलतुल शेख शमीम अहमद खलील हफ्जहुल्लाह इंशाअल्लाह अजीज आज हमें फजाइल रजब के बाबत कुरान और सही अहादीस से हमें कुछ बातें बताएंगे, उनका मफहूम बताएंगे और मुसलमान उन दिनों से लेकर आज तक क्या कर रहा है, रजब के महीने में कितनी अच्छी बातें कर रहा है या कितनी बिदतें कर रहा है, इंशाअल्लाह इसको शेख मोहतरम हमें जो है ना तारीखी वाकयात से भी बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। और उसके बाद हमारे पास में सवाल और जवाब की महफिल होती है। उस सवाल और जवाब की महफिल में अगर कोई सवाल डायरेक्ट पूछता है तो वो डायरेक्ट पूछ सकता है सवाल माइक पर आकर, या फिर अगर कोई सवाल लिखकर पूछता है जूम के अंदर तो वो जूम के अंदर लिख के भी सवाल पूछ सकता है। उसी तरह फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर भी कोई सवाल जो है ना लिखकर पूछ सकता है। ये हमारा सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह गैर रमजान महीने से शुरू हुआ है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह सुबहान व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला ये जो भी कार खैर हम कर रहे हैं, लोगों तक दीन की बात पहुँचा रहे हैं, अल्लाह सुबहान व तआला इसको कबूल करे और इसको हम सब के लिए आखिरत का नजात का जरिया बनाए। तफद्दल शेख। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। इन्नल हमदलिल्लाह نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر بين جمادى وشعبان رواه البخاري. محترم سامعين الكرام، बुजुर्गों,
दीनी और मिल्ली भाइयों, इस्लामी माँ और बहनों, आज इस्लामी महीने रजब की 7 तारीख है और सन 1442 हिजरी है। आज जिस मौजू के तहत कुछ बातें आपके गोशे गुजार करनी है वो इसी महीने से मुताल्लिक, जैसा कि उन्वान से आप समझ सकते हैं, फ़ज़ाइल रजब और मुसलमान। इंशाल्लाह इस मौजू के तहत आज अव्वलन रजब से मुताल्लिक किताब सुन्नत में क्या कुछ वारिद है और हमारे माहौल और माशरे में इस सिलसिले में क्या कुछ किया जाता है और जो कुछ किया जाता है उसका रजब की अजमत से क्या ताल्लुक है, ये इंशाअल्लाह आज की मुलाकात में वाज़ह करने की कोशिश की जाएगी। अभी आपके सामने सूरह तौबा की आयत नंबर 36 तिलावत की गई है, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि इन इद्दत शुहूर इंदल्लाह 12 शहरन फी किताबिल्लाह, यकीनन महीनों की गिनती अल्लाह के नजदीक 12 है। उसी दिन से जब से अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान और जमीन को उसने पैदा किया, इनमें से 4 महीने हुरमत के हैं, यही दुरुस्त दीन है। तुम इन महीनों में अपनी जानों पर जुल्म न करो और तुम तमाम मुशरिकों से जिहाद करो जैसा कि वो तुमसे लड़ते हैं, और जान लो कि अल्लाह मुत्तकियों के साथ। यानी इब्तदाई से, इब्तदाई आफरीनस से ही अल्लाह ताला ने 12 महीने मुकर्रर किए, जिनमें से 4 महीनों को अल्लाह ताला ने हुरमत का महीना करार दिया, जिनमें क़िताल व जिदाल की बिलखुसूस ममानियत की गई। इन महीनों की तफसील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसे पाक के अंदर बयान कर दी है, जैसे कि अबू बकरा रदी अल्लाह ताला अनु की रवायत आपके सामने पेश की गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर सहाबे इकराम को खिताब करते हुए फरमाया था, इन ज़मान कद इस्तदारा कहयत यौम खलक अस्समावाती वल अर्ज़, कि जमाना घूमते फिरते अपनी उस हयत और शक्ल को पहुंच गया है जिस दिन अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान की तख्लीक की थी। साल 12 महीने के होता है और इन 12 महीनों में 4 महीने हुरमत वाले हैं, 3 महीने पे बपे एक साथ थे, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम, और रजब मदर का रजब जो जुमादा और शाबान के दरमियान आता है। ये हदीस जो बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क अलैह रवायत है, जिसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह तौबा में इन 4 महीनों का, अल्लाह तबारक तआला ने हुरमत का महीना करार देते हुए ऐलान किया था कि मिन अरबातिन हुरम, इनमें से 4 महीने हुरमत वाले हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहीहैन की इस रवायत के अंदर उसकी तायीन फरमा दी और उसकी वजाहत हमारे सामने पेश कर दी कि 4 महीने कौन है, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा,
मुहर्रम और रजब, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का उसूल है, इलाही कानून है कि अल्लाह तबारक व तआला मखलूकात में इज्तिबा और इस्तिफा का काम करता है, जो है कुछ मखलूकात को कुछ मखलूकात पर फजीलत और फोकियत अल्लाह ताला बख्शता है, और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुबूबियत उलूहियत और वहदानियत पर कमाल हिकमत और इल्म और उसकी कुदरत की दलील है। अल्लाह तबारक तआला फरमाता है सूरह अल-क़सस के अंदर, और रब्बुक यख़लुकु मा यशाउ व यख़्तार, तुम्हारा रब जो चाहता है पैदा करता है, जिसको चाहता है इख्तियार करता है, चुन लेता है। अल्लाह ताला ने बाज़ अय्याम को और बाज़ महीनों को दीगर अय्याम और महीनों पर फजीलत और फौकियत बख्शी है। इसी ज़िम्न में अल्लाह ताला ने चार महीनों को साल के 12 महीनों में अल्लाह तबारक ताला ने मुंतखब फरमाया और इन्हें हुर्मत का महीना करार दिया, इसी उसूल और दस्तूर के मुताबिक। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चार महीनों की तायीन सहीहैन की इस रवायत में बयान फरमा दी। इनमें से यह महीना जिसे हम गुजार रहे हैं, रजब का महीना जिसकी आज 7 तारीख है, यह महीना भी इन्हीं चार महीनों में से एक हुर्मत वाला महीना है। इसको रजब क्यों कहा जाता है, इसका नाम रजब क्यों पड़ा, तो अरबी जुबान में रजबहू या रजबहू का जो लफ्ज आता है उसके माने ताजीम करने के होते हैं, डरना और ताजीम करना किसी चीज को। क्योंकि लोग इस माह को मुअज्जम और काबिल ताजीम मानते थे, और शरीयत इस्लामिया ने भी इसको मुअज्जम करार दिया है, इसलिए इसको रजब के नाम से याद किया जाता है। अहले जाहिलियत रजब के महीने को मुनस्सिलुल असिन्ना कहते थे। चांचे अबू रजा उतारदी बयान करते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हु, कुन्ना नाबुदुल हजरा फैला वजन्ना हजरन हुआ आखिर मिन अल्कीना। खुलासा यह कि हम पत्थरों को पूजते थे, जब उस पत्थर से बेहतर पत्थर मिल जाता था तो पहले पत्थर को जिसकी पूजा करते उसको फेंक देते थे, और जो अच्छा पत्थर होता था उसको अख्तियार करके उसकी पूजा शुरू कर देते थे। और जब हमें पत्थर नहीं मिलता फैदा लम नजिद हजरन जमाना जिफ्रतम मिन तुराब, जब पत्थर नहीं मिलता तो हम मिट्टी का ढेर जमा करते, और फिर सुम्मा जीना बिशाती फअलबनाहु अलैह, फिर हम बकरी को लाते और उस बकरी का दूध उस मिट्टी के ढेर पर दूते, और सुम्मा तुफना भी, फिर हम उस ढेर का मिट्टी के ढेर का तवाफ करते, उसी की पूजा करते। और कहते हैं उसके बाद फैदा दखला शहर रजब, और जब रजब का महीना दाखिल होता तो हम कहते कि ये मुनस्सिलुल असिन्ना है। जब मुनस्सिलुल असिन्ना है तो हम क्या करते थे, अपने तीरों और अपने नेजों के फलों को निकाल देते थे और उनको बंद करके रख देते थे, यानी जंगो जिदाल हथियार को बंद कर देते थे और जंगो जिदाल को से बाज आ जाते थे इस महीने में। ये सही बुखारी की रवायत, सही बुखारी की रवायत है। तो इस तरीके से कुफार का मुशरिकीन का इस महीने में ये दस्तूर था। और जब यहाँ पर कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर कहा रजब मदर, मदर कबीले का रजब, मदर कबीले का रजब, तो इसलिए कहा गया कि कबीले मदर के लोग इस महीने का सबसे ज्यादा एहतराम
करते थे और लोगों की तरह इस महीने को बदलते नहीं थे, जबकि अरब के आम लोग क्या ये बात पाई जाती थी कि जब उनको जंग करने का शौक होता था तो वो इन महीनों के नाम बदल करके जंग शुरू कर देते थे। मसलन मुहर्रम है तो उसको सफर नाम रख देते थे, सफर को मुहर्रम बना देते थे। इस तरह महीने के इन महीनों को, चार महीने जो थे, इसके नामों को बदल करके वो ये मानते थे कि ये महीने काबिले एहतराम हैं, इनकी तादीम करनी चाहिए, इसमें जंगो जिदाल जायज नहीं है, लेकिन उसको जायज करने के लिए हीला साजी से काम लेते थे, महीनों का नाम बदल करके जो है वो जंग शुरू कर देते थे और फिर दूसरे महीने को हुरमत का महीने वो नाम दे देते थे, और इस तरीके से चार महीने वो किसी न किसी तरीके से पूरा करते थे हुरमत के। तो इसी चूंकि मजर का कबीला जो था वो ये काम नहीं करता था रजब के बारे में, रजब का महीना महीने को बदलते नहीं थे, तो इसलिए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में रजब मुदर कहा कि मुदर का रजब, और इस हेरा फेरी को अल्लाह ताला ने, महीनों के इस नाम को, इस हीला साजी को अल्लाह ताला ने इसको कुफर में ज्यादती करार दी और फरमाया सूरह तौबा आयत नंबर 37 के अंदर इन्नमन नसीउ ज़ियादतुन फिल कुफर يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما कि जो है ये महीनों के नाम को बदलना, महीनों के नाम में तब्दीली करके हलाल को हराम, हराम को हलाल करने का जो तरीका है, ये कुफर में इजाफा है, ये हीला साजी कुफर में ज्यादती है, इसके जरिए से ये कुफार गुमराह होते हैं और कहते हैं एक साल उसी महीने को हराम करार देते हैं, दूसरे साल उसी महीने को हलाल करार ले लेते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये उनके बुरे आमाल, ये उनके करतूत उनके लिए मुजयन करके पेश कर दिए गए हैं शैतान की तरफ से, और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत नहीं दिया करता। तो इस तरीके से इस हीला साजी से अल्लाह ताला ने मना फरमाया और इस पर कुफार पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गिरफ्त फरमाई और कहा उनका ये तरीका हीला साजी का ये गलत, अल्लाह ने जिस चीज को हलाल किया है वो हलाल और जिस चीज को हराम किया है वो हराम रहेगा, हराम को हलाल करने के पीछे पड़ना या हराम को हलाल को हराम करने, हराम को हलाल करने के लिए हीला साजी अख्तियार करना, इसको अल्लाह ताला ने कुफर करार दिया कि ज्यादतुन फिल कुफर, ये कुफर में इजाफा है। अफसोस है कि आज उम्मत इस्लामिया भी इस बीमारी में मुब्तला है, वो बीमारी अल्लाह की हराम करदा चीज को हलाल करने के लिए हीला साजी, हीला साजी के जरिए से लोग हराम को हलाल कर लेते हैं, लिया करते हैं, हराम को हलाल कर लिया करते हैं। जैसे उनकी मोटी सी मिसाल आपके सामने है हलाला की, आपके यहाँ जो हलाला की रस्में राइज हैं, अवलम तो फतवा देंगे ये हराम है, तीन तलाकें हो गई, हराम हो गई बीवी, और उसके बाद उसके लिए हीला तलाश करेंगे, बनाएंगे कि रात भर के लिए किसी दूसरे से निकाह कर दो और उसके साथ मुकाला करो, उसके बाद दूसरे दिन उससे तलाक ले लो और फिर शादी कर लो, ये हीला साजी है, हराम है, ये कुफर है। अल्लाह ताला ज़ियादतुन फिल कुफर का हीला साजी को अल्लाह की हराम करदा चीज को हलाल करने के लिए हीला अख्तियार करना ये ज़ियादती है, कुफर है कुरान के नस से जो है। तो हुरमत अरबों के यहाँ हुरमत वाले इन महीनों में किताल जिदाल लूटमार को ना पसंद किया जाता था, लेकिन मुसलसल तीन महीने मुसलसल इससे रुके रहना उनके बस की बात न थी, उनको मुश्किल लगता था, इसलिए वो इस हरकत का इर्तिकाब करते थे और इस तरीके से महीनों का नाम
बदल करके अपने लिए जंगो जदाल को जायज करार दे लिया करते थे और इस तरीके से जो है वो कुफर में इजाफा करते थे। तो माह रजब इस महीने से हम और आप गुजर रहे हैं, ये हुरमत वाला महीना, इसकी अजमत है, इसकी हुरमत है। माह हराम है, अशर हुरम शरीयत इस्लामिया में इसका अजीम मुकाम है और माह रजब इनमें से एक महीना है। अल्लाह ताला फरमाता या अय्युहल्लज़ीन आमनू, या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तुहिल्लू शाइरल्लाह वला अश्शहरल हराम, ये सूरह मायदा की आयत नंबर 2 है। अल्लाह फरमाता है ईमान वालों अल्लाह के निशानों की बेहुरमती, अल्लाह के शाइर की बेहुरमती न करो और न हुरमत वाले महीनों की बेहुरमती करो। तो हुरमत वाले महीनों का एहतराम अल्लाह ताला ने लाजिम करार दिया है, इसकी बेहुरमती को हराम करार दिया है और इन मुहर्रमात को हलाल न करो, यानी जिनकी तादीम का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है उसका के इर्तिकाब से तुम्हें मना जो फरमाया है और इसलिए तुम इससे दूर रहो। चौंच अल्लाह ताला ने फरमाया फला तज़लिमु, इन महीनों के बारे में फरमाया फला तज़लिमु फीहिन्न अनफुसकुम, इन महीनों में, इन 4 महीनों में अपने नफ्सों पर जुल्म न ढाओ, यानी इनकी बेहरमती करके अपने नफ्सों पर जो है जुल्म ना ढाओ। इन महीनों में अल्लाह की नफरमानी ये संगीन जुर्म है। वैसे मासियत का इर्तिकाब, गुनाह का इर्तिकाब हर महीने में जुर्म है, लेकिन इन महीनों में क्योंकि इनकी अजमत है, इनको शर्फ और मंजिलत हासिल है, इसलिए इसमें जो है मासियत का अगर कोई इर्तिकाब करता है तो उसकी संगीनी बढ़ जाती है। उसकी मिसाल ऐसे ही है कि एक शख्स कहीं शराब पीता है, मिसाल के अपने घर में बैठ के, और एक शख्स आके मस्जिद में बैठ के शराब पीता है, दोनों हराम, लेकिन मस्जिद में शराब पीना पीने की संगीनी घर में शराब पीने पर से बड़ी है, क्योंकि वो इस मुकद्दस मुकाम की हुरमत को पामाल करता है। तो जिन मुकामात को अल्लाह ने शर्फ दिया, जिन औकात को अल्लाह ताला ने शर्फ बख्शा है, उन औकात में, उन मकामात पर अगर हम अल्लाह की मासियत का इर्तिकाब करेंगे, उनकी हुरमतों को पामाल करेंगे, तो उस गुनाह की मासियत की संगीनी दुबाला हो जाएगी, बढ़ जाती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने यहां फरमाया फला तज़लिमु फीहिन्ना अनफुसकुम, इन महीनों में अपने नफ्सों पर जुल्म ना ढाओ। इन महीनों का एहतराम ये लाजिम है, रजब के महीने का एहतराम लाजिम है। इसमें इंसान को मासियत गुनाह का इर्तिकाब करने से बचना है, तलवसा उससे बचने की कोशिश करनी है, ताकि इस महीने की हुरमत पामाल ना हो, इस महीने की अजमत पामाल ना हो और इस संगीनी के मासियत की संगीनी से हम अपने आप को बचाते रहें। तो इस महीने की अजमत का तकाज़ा तो अवलन तो महीना हुरमत का महीना, काबिल एहतराम महीना है, इसमें हमें फूंक फूंक कर कदम रखना है, मासियत और गुनाह के कामों से दूर रहना है। दूसरी चीज ये है कि ये माह हराम में किताल का क्या हुक्म है, किताल मना है। माह हराम के अंदर इन 4 महीनों में किताल और जंग की पहल नहीं की जा सकती है। चौंच अल्लाह ताला फरमाना है यसअलूनका अनिश्शहर अलहराम कितालन फीह कुल कितालन फीह कबीर, सूरह बकरा आयत नंबर 217। तो लोग आपसे पूछते हैं माह हराम के बारे में कि इसके अंदर किताल करने का क्या हुक्म है, कुल कितालन फीह कबीर, तो आप कह दीजिए इसमें किताल करना, जंग करना ये बड़ा गुनाह है, ये संगीन जुर्म है, इससे बचना है, बड़ा गुनाह करार दिया। तो इसलिए जो है इस सिलसिले में जो है उलमा की एक जमात का ये कहने दावा है कि ये हुक्म मंसूख हो चुका है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ताइफ से ज़िलक़ादा के महीने में जंग की थी और ज़िलक़ादा अशरे हुरम में से है, लेकिन उलमा की दूसरी जमात का कहना है
कि हुर्मत क़िताल का हुक्म बाकी है, हुर्मत क़िताल का हुक्म बाकी है, मनसूख नहीं है। और जहां तक अहले ताइफ के साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़िताल का मसला है, तो ये ग़ज़वे हुनैन का इम्तिदाद था। ग़ज़वे हुनैन शव्वाल में जो है ग़ज़वा, ये ग़ज़वा हुआ था, हुनैन की जंग हुई थी, और उसी का इम्तिदाद ये लोग भाग करके ताइफ में पनाह गजी हो गए थे। तो हुनैन से मुंतकिल होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों का मुहासरा ताइफ में किया था। तो इम्तिदाद था इस महीने में, जंग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू नहीं की थी, इसलिए किताल की ममानियत का हुक्म आज भी बाकी है। इस महीने में किताल का आगाज नहीं किया जा सकता है, इस महीने में अशुरे हुरम में किताल का आगाज नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई पहल करता है, कोई मुसलमानों पर हमलावर होता है, तो ऐसी सूरत में उसका जवाब देंगे, उसका जवाब देंगे, हाथ पर हाथ रखे बैठे नहीं रहेंगे, उसका जवाब देंगे। लेकिन जंग और किताल में पहल इन महीनों में हम नहीं करेंगे, बिला वजह नहीं करेंगे, क्योंकि कुरान में कहा कि इसमें किताल करना ये अजीम जुर्म है। अब इसके अलावा ये अशुरे हुरम में से है, इसकी अजमत है, इसकी तादीम है, इसमें इंसान को जो है किताल से और मासियत वगैरह के इर्तिकाब से हत्तर वसा बचना है। क्या माह रजब की कोई मखसूस फजीलत, माह रजब की कोई मखसूस फजीलत है, या मखसूस आमाल, मखसूस नमाजें, मखसूस रोजे, क्या या मखसूस ज़बीहा, इस तरह की कोई चीज है इस महीने में? तो हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह, जो हाफिज ही के नाम से याद किए जाते हैं, ये हाफिज हदीस थे, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, सही बुखारी की सबसे अजीम शरह फतहुल बारी इन्हीं की लिखी हुई है। तो हाफिज के बाद, हाफिज इब्ने हजर के बाद तमाम अइम्मा इनकी तहकीक के मोहताज नजर आते हैं, बहुत बड़े मुहक्किक मुहद्दिस थे। इन्होंने किताब लिखी है फजाइल रजब पर, तबईनुल अजब फीमा वर्द फी फजल रजब, मशहूर किताब है इनकी, तबईनुल अजब फीमा वर्द फी फजल रजब। चौंचे अपनी किताब के अंदर ये फरमाते हैं कि रजब ना तो रजब महीने की फजीलत में और ना ही इसके रोजों की फजीलत में कोई रवायत साबित है, ना ही कयाम से मुताल्लिक और ना ही रोजों से मुताल्लिक, ये रवायतें या तो ज़ईफ हैं जो बयान की जाती हैं, या मौजू और मनगढ़ंत, मौजू और मनगढ़ंत। और इन्होंने इस किताब के अंदर 11 रवायात ज़ईफ जमा की हैं और 21 रवायात मनगढ़ंत और मौजू जमा करके इन रवायात की हकीकत को वाज़े किया है कि ये रवायतें ना काबिले इस्तिदलाल हैं। तो रजब की फजीलत, मखसूस फजीलत में न इसके रोजों से मुताल्लिक न नमाजों से मुताल्लिक जो है कोई भी रवायत जो है सही नहीं है, साबित नहीं है, ये हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह का ऐलान है। और यही चीज इमाम अबू इस्माइल हरवी ने भी यही वजाहत की है कि रजब की फजीलत में कोई भी मखसूस रवायत न नमाजों से मुताल्लिक न रोजों से मुताल्लिक कोई भी रवायत साबित नहीं है। आइए एक एक करके हम उन बाज जो रजब के साथ जिसको खास कर लिया गया है, जिसका सबूत नहीं है, उसका जिक्र आपके सामने करते हैं। पहली चीज है रजब की मखसूस दुआ, रजब से मुताल्लिक मखसूस दुआ। आमतौर से वाइजीन और खुतबा की जुबानों पर ये दुआ जारी है, रजब आते ही ये दुआ शुरू हो जाती है। वो दुआ क्या है? वो दुआ है अल्लाह मुबारक लना फी रजब व शाबान
وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمیں برکت دے ہمارے لیے رجب میں اور شعبان میں, اور ہمیں رمضان کو پہنچا دے, رمضان ہمیں عطا کر. یہ دعا بڑی اچھی لگتی ہے واعظین اور خطبہ عام طور سے یہ دعا اپنی ممبر و محراب سے کرتے ہیں, لیکن میرے بھائیو افسوس کا مقام ہے, یہ حقیقت ہے کہ عام طور سے عام واعظین عام خطبہ کی جو قصہ گو لوگ ہیں ان کی زبانوں پر جو روایتیں جاری ہیں وہ اکثر یا موضوع ہیں یا ضعیف ہیں. یہ واضح ہونا چاہیے. یہ سب سے بڑا المیہ ہے امت کا کہ امت کے واعظین یہ پیشہ ور خطبہ ان کی زبانوں پر جو روایتیں زبان زد ہیں ان کی اکثریت یا تو ضعیف ہے یا موضوع اور منگلت. یہ حقیقت ہے. اس لیے تقریروں کے سننے میں بھی بعض و نصیحت کی باتیں سننے میں بھی پرکھنا چاہیے, اس کا منحج دیکھنا چاہیے کس کی بات ہم سن رہے ہیں. چانچہ روایت عام طور سے واعظین اور خطبہ اپنی تقریروں میں اس دعا کو کرتے ہیں, اور جو ہے سب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. نہیں, یہ دعا ثابت نہیں ہے. معجم الاوسط میں طبرانی نے اور حلۃ الاولیاء میں ابو نعیم نے اس کو ذکر کیا ہے اس دعا کو, لیکن یہ روایت ضعیف ہے. اس کے اندر دو راوی ضعیف ہیں, زائدہ بن نبی رقاد اور زیاد النمیری, جیسا کہ امام زاہبی نے میزان الاعتدال جلد 9-2 اور صفحہ 65 پر ذکر کیا, اور اسی طریقے سے مجموع الزوائد میں امام ہیثمی نے جلد 2 صفحہ 168 پر اس روایت کو ضعیف قرار دیتے ہوئے ان دونوں راویوں کا ذکر کیا, اور کہا ہے کہ زائدہ بن ابی رقاد کو امام بخاری نے منکر الحدیث قرار دیا. منکر الحدیث کا اسی طرح امام البانی رحمہ اللہ نے ضعیف الجامع میں جو ہے اس کو ضعیف قرار دیا ہے 4395 نمبر, اور دیگر اسی طرح محققین اور محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا. تو یہ روایت ضعیف نہیں, یہ دعا عام طور سے رائج ہے, رجب آتے ہی لوگ یہ دعا شروع کر دیتے ہیں, لہذا اس دعا کو کرنا یہ صحیح نہیں ہے. یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ثابت نہیں. اسی طریقے سے اس دعا کے ساتھ ایک تاریخ تو نکل گئی, لیکن پھر بھی صلاۃ الرغائب کے نام سے ایک مخصوص نماز اس مہینے میں پڑھی جاتی ہے, اور یہ اس مہینے کی پہلی جمعرات اور جمعرات کا دن گزار کر کے جمعہ کی رات میں یہ نماز جو ہے پڑھی جاتی, جو خود ساختہ نماز. جمعرات کو پہلی جمعرات کو رجب کے روزہ رکھتے ہیں, اور پھر رات میں مغرب اور عشاء کے درمیان صلاۃ الرغائب کے نام سے نماز ادا کی جاتی ہے, جس کی 12 رکعتیں اس کی مقرر کی گئی ہیں کہ جو ہے 12 رکعتیں 2-2 رکعت کر کے 12 رکعتیں پڑھی جاتی, اور ان کے پڑھنے کا عجیب انداز ہے. ہر 2 رکعت پر سلام پھیریں گے 2-2 رکعت کر کے, ہر رکعت میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ, ہر رکعت میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ, 3 دفعہ سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اور 12 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد پڑھی جاتی ہر رکعت میں. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ فاتحہ, 3 مرتبہ سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اور 12 مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھتے ہیں. پھر سجدے میں گر کر پھر سجدہ جاتے ہیں. سجدے میں جب جاتے ہیں اس رکعت سے تو سجدے میں گر کر جو ہے اور نماز سے فارغ ہو کر, اس طرح پوری نماز پڑھتے ہیں 12 رکعتیں 2-2 رکعت کرتے ہوئے, اور نماز سے جب فارغ ہوتے ہیں نماز سے فراغت کے بعد 70 مرتبہ درود پڑھی جاتی ہے. پھر سجدے میں گر کر 70 مرتبہ سبحان قدوس, نماز سے فارغ ہو کر 70 مرتبہ درود,
फिर सजदा करते हैं, फिर उसके बाद सजदा करते हैं नमाज के बाद, नमाज के अलावा सुब्हान कुद्दूसुन रब्बुल रब्बुल मलाइकते वर्रूह 70 मरतबा जो है सजदे में 70 मरतबा ये दुआ पढ़ते हैं। फिर सजदे से सर उठाकर 70 मरतबा रब्बिग़फ़िर वरहम वतजावज़ अम्मा तअलम इन्नक अंतल अज़ीज़ुल अकरम ये भी 70 मरतबा पढ़ते हैं, फिर दूसरा सजदा करते हैं। और वो दूसरा सजदा भी पहले सजदे की तरह हो। ये है सलातुर रवाइब की कैफियत जो पहले जुमा की रात को जो है मगरिब और इशा के दरमियान 12 रकात पढ़ी जाती है, इसको सलातुर रवाइब कहते हैं। फिर कहते हैं कि इसके बाद अल्लाह से अपनी हाजत की दुआ करें, नमाज से ये सब करने के बाद अपनी हाजत की दुआ करें, उसकी हाजत पूरी होगी। इसकी फजीलत ये बयान की जाती है कि जो बंदा या जो बंदी ये नमाज पढ़े उसके तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं, गरचे वो समुंदर के जाग, रेतों के जर्रात, पहाड़ों के हमोजन और दरख्तों के पत्तों के बराबर हो, और वो अपने अहले खाना में से 700 लोगों की शफा करेगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। ये है रवायत जो है ये सलातुर रगाइब के फजाइल ये बयान किए जाते हैं। इसको गजाली ने इहाउल उलूम में जिक्र किया है और इहाउल उलूम जो इमाम गजाली की किताब है इसी तरीके से बेसरोपा रवायतों से भरी पड़ी है, क्योंकि गजाली कट्टर सूफी थे और उन्होंने अपनी किताब को इस तरह जटलियात से इहाउल उलूम को भर दिया और लोग उन्हीं को हुज्जतुल इस्लाम कहकर पुकारते हैं, गजाली हुज्जतुल इस्लाम, पक्के सूफी थे लेकिन अल्लाह ताला ने मरते वक्त उनको हिदायत दे दी। वफात उनकी अच्छी हालत में हुई, बुखारी उनके सीने पर थी, अपने तमाम पुरानी चीजों से ताइब हो चुके थे। जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके सीने पर बुखारी थी, बुखारी पढ़ते पढ़ते वफात पाए। तो बहरहाल जो है इहाउल उलूम में ये नमाज की कैफियत जिक्र की गई है। इमाम नवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये कबीह बदतरीन बिदात और मुनकर है, बहुत से मुनकरात पर यह रवायत मुश्तमिल है, इसका तर्क और इससे एराज लाजिम है, ऐसा करने वालों को सख्ती से मना करना चाहिए। इमाम नवी जो सही मुस्लिम के शारे हैं वो फरमाते हैं कि सख्ती से उन लोगों को इस नमाज के पढ़ने से रोकना चाहिए जो पढ़ते हैं। देखिए फतावल इमाम नवी जो सफा 57। इसी तरह इब्न नहास फरमाते हैं कि ये बिदात है, इस सिलसिले में वादी शुदा रवायत मौजू ब इतफाक मुहद्दिसीन मौजू और मनगढ़ंत। तंबीहुल गाफिलीन सफा 496। शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये नमाज बे असल है बल्कि बिदात है, न बजमात मुस्ताब है और ना ही इनफिरादी तौर से, बल्कि सही मुस्लिम की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा की रात को क़याम के साथ और जुमा के दिन को रोजे के साथ खास करने से मना फरमाया, लिहाजा ममानियत में दाखिल। और इस नमाज से मुताल्लिक जो असर बयान किया जाता है वो इत्तेफाक उलमा मौजू झूठ है और उलमा और अइमा अहमे सलफ में किसी ने इसका जिक्र नहीं किया है। मजमूल फतावा अल्लाह तैमिया जिल 23 सफा 132 134 135। इसी तरीके से अल्लामा मुहद्दिस इराकी रहमहुल्लाह जिन्होंने इहाउल उलूम के अहादीस का जायजा लिया, तखरीज की है तहकीक की है, इहाउल उलूम की रवायतों को खंगाला है, वो कहते हैं कि ये मौजू रवायत है, ये रवायत मौजू और मनगढ़ंत है। इसी तरीके से
इस नमाज के सिलसिले में अल्लामा तरतूशी जिक्र करते हैं कि ये अबू अब्दुल्लाह अल मक़दसी के हवाले से कि हमारे यहाँ बैतुल मक़दस में ये नमाज यानी सलातुर रग़ाइब नहीं पढ़ी जाती थी, जबकि रजब में जो कि रजब में पढ़ी जाती है, और न ही 15 शाबान की नमाज मुरव्वज़ थी, न 15 शाबान की नमाज थी, न रजब की ये सलातुर रग़ाइब पढ़ी जाती थी। कहते हैं कि सन 448 हिजरी यानी 4.5 सदियों के बाद 448 हिजरी में ये नमाज इजाद हुई हमारे पास, यानी शाबान की नमाज 448 में इजाद हुई हमारे पास बैतुल मक़दस में। नाबुलस से एक शख्स आया जिसकी तिलावत बड़ी अच्छी थी, तो उसने मस्जिद अक्सा में 15वीं शाबान के शब में क़याम किया और ये आगाज था 15वीं यानी शब बरात की नमाज का 448 हिजरी। और रजब की नमाज यानी सलातुर रग़ाइब बैतुल मक़दस में 480 यानी उसके बाद 448 में वो याद हुआ और 480 के बाद वजूद पजीर हुई है। इससे कल हमने इससे मुताल्लिक न सुना था और न ही देखा था। देखिए अल हवादिस वल बिदा सफा 103। सलातुर रग़ाइब को इमाम इब्न जौज़ी ने अपनी मशहूर किताब अल मौज़ूआत में जिक्र किया है। अल मौज़ूआत यानी मन गढ़त रवायत। इसी तरह हाफिज अबुल खत्ताब और अबू शामा ने इसे मौजू करार दिया है कि मन गढ़त थे। अल बाइस अला इनकार अल बिदा वल हवादिस सफा 61 और 67 पे। इसी तरह इब्न हाज ने भी इसको बिदात करार दिया है। देखिए अल मदखल जिल्द 1 सफा 211। इब्न रजब हम्बली रहमतुल्लाह ने इसको बिदअत करार देते हुए अबू इस्माइल अंसारी, अबू बकर समानी और अबुल फजल बिन नासिर से इसकी बिदअत नकल की है कि यह बिदअत। देखिए लताइफुल मआरिफ सफा 228। और ये तरह फिक्हे हनफी की मशहूर मारूफ किताब रद्दुल मुहतार शरह दुर्रुल मुख्तार जिल्द अव्वल सफा 544 पे सलातुर रग़ाइब के मुताल्लिक़ लिखा है कि यह नमाज 480 हिजरी के बाद ईजाद हुई और उलमा ने इसके इनकार और मजम्मत और इसे अदा करने वालों के आमकपन के कई किताबें लिखी हैं और कसीर शहरों में इस नमाज को अदा करने वालों की कसरत को देखकर धोखा ना खाया जाए। और सफा 660 पर इसी रद्दुल मुहतार के सफा 660 पर लिखा है और इसलिए अहले इल्म ने इस नमाज यानी सलातुर रग़ाइब के लिए जमा होने से मना किया है, जिसे बाद जाहिल सूफियों ने ईजाद किया। ये नमाज बाद सूफियों की ईजाद करता है और बजाते ही नमाज तो अच्छा अमल है लेकिन इस मस्कूरा कैफियत के साथ मखसूस रातों में ऐसी कोई नमाज मासूर और साबित नहीं है। ये हो गया सलातुर रग़ाइब। ये हकीकत है सलातुर रग़ाइब की। और इब्न जज़री ने अल हिस्न अल हसीन में इस नमाज वाली रवायत को के बारे में कहा फला तस्सहु व सनदुहा मौदू, ये सही नहीं है, इसकी सनद मौदू और बातिल है। देखिए अल इब्दा सफा 288। तो ये हुआ और दीन से साबित है, इसलिए इसका एहतमाम करना ये बिदात है। मखसूस रातों में मखसूस नमाज पढ़ना ये बिदात है, ये वाजिब है। इसी तरीके से इस महीने में हमारे यहाँ मुसलमानों की जो हालत है कि वो मखसूस रोजों का एहतमाम करते हैं, रोजों का एहतमाम करते हैं। रजब की मुनासिबत से रोजा रखना भी साबित नहीं है। अलबत्ता जो मामूल के रोजे इंसान के हैं वो रखेगा,
मिसाल पर एक शख्स हर महीने हर हफ्ते पीर जुमेरात का रोजा रखता है, अय्याम में भी हर महीने अय्याम 20 के रोजे रखते हैं तो इस महीने में रखेगा। एक शख्स है जो सोमे दाऊदी रखता है, एक दिन रोजा रखता है एक दिन रोजा नहीं रखता है, वो भी इस महीने भी आएगा तो इस महीने भी रोजा रखेगा। लेकिन इस महीने की मुनासिबत से इस महीने को रोजे के साथ खास करके कि दूसरे महीने में तो फिर जुमेरात का रोजा नहीं रखता, लेकिन रजब आए तो क्या मैं फिर जुमेरात का रोजा रखूंगा, और महीनों में आया भी 20 के रोजे की फिक्र नहीं होती, लेकिन रजब का महीना आए तो क्या यहाँ मैं 20 के रोजे रखूंगा, नहीं। इस महीने की तख्सीस रोजे के साथ अगर करता है तो ये जायज नहीं है, ये जायज नहीं है, बिदात है। इब्न रजब फरमाते हैं कि रजब के रोजों की फजीलत कुछ भी साबित नहीं है, न नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और न ही सहाबे इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से। देखिए लताइफुल मारिफ सफा नंबर 227। शेखुल इस्लाम अल्लामा तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रजब के रोजों से मुताल्लिक जितनी रवायात बयान की जाती हैं सब ज़ाइफ बल्कि मौजू और मनगढ़ंत, उलमा इन पर एतमाद नहीं करते और ना ही इनकी हैसियत वो फजाइल आमाल में मरवी ज़ाइफ रवायात की है बल्कि सब के सब मौजू और मकजूब रवायात है। बल्कि इब्न माजा की एक रवायत में तो इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजब के रोजों से मना फरमाया, लेकिन ये रवायत सही नहीं है, ज़ईफ है। अलबत्ता हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु से साबित है कि रजब में रोजा से मना करते थे, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु रजब में रोजा रखने से मना करते थे, और जो लोग रोजा रखते थे उनके सामने खाना रखकर उनको खाने पर मजबूर करते थे, और नहीं अगर किसी का हाथ खाने की तरफ बढ़ता था तो उस पर कोड़े लगाते थे, कहते थे कुलु फइन्ना शहरुन कानत तुअज्जिमुल जाहिलिया, खाओ ये महीने की और दर जाहिलियत के लोग कुफार ताजिम करते थे, तुम मत ऐसा करो। देखिए इरवाउल खलील जिल्द 4 सफा 113, ये सही रवायत है हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुताल्लिक कि रोजा रखने वालों पर सख्ती से उनका रोजा तोड़वाते थे, मना करते थे इस महीने में मखसूस रोजा रखने से, तो इस महीने में रोजा भी साबित नहीं है। इसके बावजूद बाज लोग इस महीने में कई रोजे ईजाद कर रखे, कई रोजे लोगों ने ईजाद कर रखा है, और चांचे मेराज शरीफ का रोजा किसी को कहते हैं, किसी को मरियम का रोजा कहते हैं, किसी को हजारी रोजा कहते हैं, किसी को लक्की रोजा का नाम देते हैं, हालांकि ये रोजे ना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रखे हैं और ना ही इनका हुक्म दिया है और ना ही तरगीब दिलाई है, लिहाजा हर माह मामूल के खिलाफ अगर कोई शख्स रजब में रोजा का एहतमाम करता है अपनी तरफ से या बुजुर्गों के ने फरमाया है, बुजुर्ग ऐसा कहते हैं जैसी सनद से बयान करता रोजे रखता है तो वो बिदात में शुमार होंगे। इनका नाम लक्की रखे हैं, हजारी रखे हैं, मरियम रोजा रखे हैं, मेराज का रोजा रखे, जो कुछ चाहे नाम रख लें, ये बिदात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलफाए राशिदीन सहाबे किराम अइम्मे अरबा और उलमाए दीन रहमतुल्लाह से साबित नहीं है, लिहाजा इस माह को सियाम और क़याम के साथ खास करना बिदात है और हर बिदात गुमराही है तो इस महीने में इस तरह की चीजों से बचना चाहिए, और इसी तरीके से इस महीने में मखसूस ज़बीहा रजबिया कहते हैं, मखसूस ज़बीहा जिसको रजबिया कहते हैं जाहिलियत में जो है इस तरह का ज़बीहा पाया जाता था जिसको वो अतीरा कहते थे, अतीरा रजबिया नाम रखते थे, रजब के महीने में ज़बीहा पेश करते थे।
तो दौरे जाहिलियत में इस महीने में ज़बीहा पेश करने का एहतमाम पाया जाता था, लेकिन इस्लाम ने इसको बातिल करार दिया। चंच अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत मुत्तफ़क़ अलैह बुखारी और मुस्लिम की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला फरअ वला अतीरा, ला फरअ वला अतीरा, इस्लाम में ना फरअ जायज है ना अतीरा जायज है। ये बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, बुखारी 5473 और मुस्लिम 1976 नंबर की रवायत। इस्लाम में इबादत चूंकि तौकीफी और वही इबादत जो अल्लाह के लिए की जाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक की जाए, सुन्नत के साथ की पैरवी के साथ की जाए, शरीयत के शराइत को जो है मलहूज रखते हुए। पहले जाहिलियत कुछ आदात और तकालीद थे जिसके जरिए से वो अपने माबूदाने बातिल का तकर्रुब हासिल करते थे। जब इस्लाम आया तो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इन शिर्किया आदात से मना फरमा दिया और वाजे कर दिया कि एक मुस्लिम के अकवाल व अफाल शरीयत के जवाबित और दायरे के तहत होना चाहिए। इस हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरा और अतीरा से मना फरमा, ला फरा वला अतीरा। तो फरा क्या है, अतीरा क्या है? फरा मुठनी के पहले बच्चे को, मुठनी जब पहला बच्चा देती थी तो अहले जाहिलियत कुफार और मुश्रिकीन उसको अपने माबूदान बातिल के नाम, देवी देवताओं के नाम ज़बह करते थे, उसको ज़बीहा पेश करते थे अपने माबूदों का तकर्रुब हासिल करने के लिए, उसका नाम फरा रखते थे। और इसी तरह माह रजब की ताजीम में करते हुए वो ज़बीहा पेश करते थे जिसका नाम अतीरा रखते थे, रजबिया, रजब के से खास करते थे, रजब के महीने में वो ज़बीहा पेश करते हुए उसका नाम अतीरा या रजबिया कहते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक के जरिए इन तमाम ज़बाइह से मना फरमाया। चौंचे हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस्लाम में अतीरा यानी रजबिया नहीं है, ये दौरे जाहिलियत में था, वो रोजा रखते थे और अतीरा ज़बह करते थे। देखिए लताइफुल मआरिफ सफा 227। इस तरह इब्ने रजब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रजब में ज़बीहा पेश करना इसे ईद और जश्न बनाने की के मुतरादिफ है। और इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा रजब को जश्न व ईद मनाने से मना फरमाते थे। देखिए लताइफुल मआरिफ सफा 227। लिहाजा माह रजब की तादीम और तख़सीस करते हुए ज़बीहा पेश करना जायज नहीं है, क्योंकि ये कुफार की मुशाबहत और बिदात है और इस्लाम में इबादत तौकीफी है, मनमानी नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का खुलासा है ला नाबुदु इल्लल्लाह वला नाबुदुल्लाह इल्ला बिमा शरअल्लाह, कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे और अल्लाह की इबादत भी उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से अल्लाह ताला ने अपने नबी के जरिए हमारे लिए मशरू किया। मनमानी इबादत नहीं, मनमानी इस्लाम में इबादत नहीं, तो क्या हरज है? नहीं, हरज ही हरज है, मनमानी इबादत इस्लाम में नहीं है। तो इस तरीके से ये जो है बाज बिदात थी, बाद अमाल जो मुसलमान करते हैं वो इतना, और बहुत सी चीज़ें हैं। इंशाअल्लाह आइंदा जो है प्रोग्राम में आइंदा जुमा को बाकी और चीज़ों की जो है निशानदेही की जाएगी, जैसे रजब में उमरा का अहतमाम और इसी तरह रजब में ज़कात का अहतमाम, फूलों का अहतमाम, शब मेराज का अहतमाम, इस तरीके से बहुत से बिदात इस महीने में ईजाद कर ली गई हैं जिससे इस महीने की हुरमत पामाल हो रही है। हमें चाहिए कि इन बिदात से दूर रहें ताकि इस माह मुबारक की अजमत जो है को ना गंवाएं, और बजाय कि इसकी अजमत को पहचानते हुए अल्लाह की कुर्बत के मुस्तहिक बने जो है बिदात के जरिए अल्लाह से दूरी हो जाए, अल्लाह से दूरी ना अख्तियार करें बल्कि अल्लाह की कुर्बत, अल्लाह की भेजी हुई शरीयत की पाबंदी करके हासिल करने की।
कोशिश करें अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इसी तौफीक अता फरमाए। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व सल्लम व जज़ाकुमुल्लाह खैरन व अहसन जज़ा। शेख साहब आज बहुत सारी ऐसी बातें हमें मालूम हुई जो वाकई मालूम नहीं थी, जैसे कि महीना शुरू होता है रजब का तो लोग पहले दूसरे दिन रोजा रखते हैं, रात को नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ताला कुछ जाहिर दे। अभी हमारा इंशाल्लाह अजीज सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू होगा और हमारे जूम पर जो अहबाब इस वक्त लाइव दाखिल हुए हैं वो माइक पर आकर सवाल पूछ सकते हैं। हमारी ख्वातीन जो हैं वो टेक्स्ट से सवाल पूछ सकती हैं और इसे हमारे सज्जाद भाई हैंडल करेंगे दोनों को। सज्जाद भाई अगर कुछ है जूम पर सवाल या किसी का हाथ उठा है तो प्लीज़ आप उसको हैंडल कीजिए और मैं जो है वो उसको देखता हूँ। मुत्तलिब भाई का हाथ आ गया है ऊपर, इंशाल्लाह मुत्तलिब भाई आप माइक लेके सवाल पूछ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख साहब मेरा सवाल टॉपिक के ऊपर नहीं है, अलग है शेख साहब सवाल। शेख साहब सलातुल तौबा ये अबू दाऊद की हदीस से साबित है शेख साहब, तो उसमें लिखा गया कि आप अगर कोई गुनाह करते हो तो दो रकात आप पाक हो जाए फिर दो रकात नमाज पढ़े, तो शेख साहब ये सही है शेख साहब, इसके बारे में जरा हम पढ़ना चाहिए। सलातुल तौबा साबित है, सही है, दो रकात नमाज पढ़ करके तौबा करें। जी जी जज़ाकअल्लाह खैर शेख साहब। और एक सवाल है पूछ लेता हूँ, हो जाएगा। हाँ शेख साहब एक 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 हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में एक शख्स आके बैठा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि ये आदमी जो बैठा है ये सही आदमी नहीं है, ये कबीले का गलत आदमी है, सही आदमी नहीं है। तो शेख साहब इसमें जो हदीस है उसमें ये भी बताया गया कि हमें गीबत तो नहीं करनी चाहिए लेकिन ऐसे 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 केस में कर सकते हैं हम गीबत जबकि वो हम किसी के बारे में बता रहे। तो शेख साहब आपने बताया हम दो बार कर सकते हैं गीबत, एक तो शादी के इसमें। देखिए देखिए ये हदीस ये है कि एक शख्स आया उसने इजाजत तलब की रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने की तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लोगों से इज़्ज़त लो इसको याद दे दो बेसा अखुल अशीरा, ये बदतरीन आदमी है अपने खानदान का अपने कबीले का बदतरीन शख्स है, इसको इजाजत दे दो। समझे तो यहाँ पर जो आप शुबा होता है गीबत का इसको गीबत नहीं, गीबत की तारीफ क्या है, किसी को महज रुसवा और जलील करने के लिए उसके अदम मौजूदगी में उसकी बुराई को जिक्र किया जाए, किसी को महज लोगों के सामने रुसवा और जलील करने के लिए उसकी वो जो है उसकी बुराई को जिक्र किया जाए उसकी गैर मौजूदगी में। यहाँ पर जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया था सहाबा को उससे मुतनब्बे करने के लिए, क्योंकि उसके बाद सवाल हुआ, आपने बड़ी तकरीम की उसकी, उसकी ज़ियाफ़त की, उसकी तकरीम की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो बाद में पूछा गया कि अल्लाह के नबी आपने कहा कि ये बदतरीन आदमी है फिर इस कदर आपने उसकी ज़ियाफ़त की, तो बहरहाल जो है इसलिए कि ताकि धोखा ना खा जाए आपकी ज़ियाफ़त से लोग आपकी तकरीम से कि ये अच्छा आदमी है उसके धोखे में आ जाए। तो अगर किसी की बुराई से लोगों को खतरा है तो उससे आगाह करना ये उम्मत के साथ खैरख्वाही है, ये गीबत नहीं है। कोई शख्स है उसका शर फैला हुआ है और आप ये महसूस करते हैं कि लोग उससे धोखा खा जाएंगे तो उसको बता देना चाहिए। जैसे एक खातून आई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उसने कहा या रसूल अल्लाह मुझे जो है शादी का पैगाम आया है दो जगहों से, एक तो माविया ने पैगाम भेजा है दूसरे अबू जहम ने पैगाम भेजा है, क्या करूं किसके पैगाम को कबूल करूं। मशवरा किया शादी के बारे में तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अम्मा माविया फसअलू, माविया इनके पास माल मता नहीं है, फकीर आदमी, माविया तो फकीर आदमी, इनके पास दौलत नहीं है माल नहीं है, और अबू जहम का जहां मामला है ला ये दो असाहु अन आतिकी, वो अपनी गर्दन से
अपनी लाठी नहीं उतारते। इसका दो मतलब शारहीन ने जिक्र किया है कि वो कसीर सफर हैं, हमेशा सफर ही पर रहते हैं, और दूसरा माना यह बयान किया गया है कि वो बीवियों की पिटाई करते हैं। तो ऐसे मौके पर जब खैरख्वाही मकसूद हो तो हमें छिपाना नहीं चाहिए। अब कोई शादी के लिए मशवरा कर रहा है तो इसको गीबत नहीं, मैं गीबत कैसे करूं? नहीं, जो आप जानते हैं बता दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर वाजे कर दिया। तो गीबत इसको नहीं कहा जाता, इसको गीबत नहीं कहती। गीबत कहते हैं मायस, उसको रुसवा और जलील करने के लिए उसकी बुराई को दूसरों के सामने जिक्र किया जाए ताकि वो जलील हो जाए, रुसवा हो जाए। लेकिन कोई अच्छा मकसद है, जिस मकसद है, जैसे आप ये गया मजलूम गया काजी के पास, तो अब वो जालिम की शिकायत करेगा कि नहीं करेगा, उसकी बुराई बयान करेगा कि नहीं करेगा? वो गीबत नहीं है। काजी से जालिम की रिपोर्ट काजी को पेश करना ये गीबत नहीं है, बल्कि ये जायज है, जाके बयान करे ताकि इंसाफ मिले। उसको मकसद उसको जलील करना नहीं है, मकसद इंसाफ को हासिल करना है। इसी तरह देखते हैं मुहद्दिसीन रावियों पर जरा करते हैं, फला कज्जाब है, फला दज्जाल है, फला झूठा है, ये क्या है? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की हिफाजत के लिए, ताकि शरीयत में कोई ऐसी चीज जो गलत है वो ना दाखिल हो जाए इस रास्ते से। इसलिए जरह तादील रुआत पर कलाम करना ये नीकी का काम है, ये गीबत नहीं है। तो गीबत को समझने की जरूरत है। इसी का शर फैला हुआ है, लोग उसके शर से धोखा खा सकते हैं। तो आपकी खैरखाही का तकाजा ये है कि लोगों को बता दें, भाई ये शर इस शख्स से होशियार रहिए, इस शख्स से होशियार रहिए। लेकिन बिला वजह कोई मकसद नहीं है, कोई नहीं, बस उसको जलील करना, रुसवा करना लोगों के सामने मकसद है, फिर आप उसकी बुराई बयान करते हैं, तो ये भी बात है। जज़ाकअल्लाह खैरन व अहसन जज़ा शेख साहब। शेख साहब, हमारे पास YouTube पर सवाल आया हुआ है। सवाल इस तरीके से है कि विल द नेम्स ऑफ पीपल रजिस्टर, क्या उन लोगों के नाम रजिस्टर में जमा होंगे या लिखाए जाएंगे जो खतीब, यानी खतीब उल मिंबर जब आते हैं जुम्मा का खुतबा देने के लिए, यानी खड़े होने से पहले तक, और वो लोग जो है ना मस्जिद के बाहर बैठते हैं, जैसे कि उनको मस्जिद में जगह नहीं मिलती तो वो बाहर बैठते हैं, लेकिन वो खतीब से पहले आके बैठते, तो क्या उनको अज्र मिलेगा? ये सवाल। मसला ये है कि मस्जिद से बाहर क्यों बैठते हैं? तो उन्होंने खुद कहा कि जगह नहीं, मस्जिद में जगह नहीं है, तो मस्जिद के बाहर सब लगाते हैं, वो भी मस्जिद ही में शुमार होंगे और उनकी नमाज भी, और वो भी उस फजीलत में दाखिल हैं। लेकिन यहाँ आमतौर से जो रिवाज है कि मस्जिद खाली रहती है, मस्जिद में जगह रहती है, लेकिन लोगों ने कसम खा रखी होती है कि हमें मस्जिद में दाखिल नहीं होना है, मुसल्ला ला करके या पेपर ला करके मस्जिद से बाहर ही जो है बिछा के बैठ जाते हैं पहले से, ये गलत है। लोग बड़ा अल्लाह के सल्लम की हदीस के लोग बड़ा पीछे हटते रहेंगे, अल्लाह उनको पीछे ही ढकेल देगा। तो ये जायज नहीं है, ये गलत है। जो लोग मस्जिद में जगह होते हुए बाहर सब लगा के बैठते हैं, या मसल्ला लाके घर घर ही से गर्दन पर मसल्ला, आजकल तो कोरोना की वजह से सबको मसल्ला लाना है, पहले जबकि कोरोना नहीं था तब भी लोग घर ही से मसल्ला लेके चलते थे सोच करके कि जो है मस्जिद में नहीं घुसना, और कहने के बावजूद, ऐलान के बावजूद, मेरा तजर्बा है बार बार ऐलान के बावजूद, इमा भी ऐलान करते, दूसरे लोग भी ऐलान करते कि भाई मस्जिद में आ जाओ, मस्जिद में जगह है, लेकिन फिर भी लोग अंदर नहीं घुसते। कितने लोग तो गलत जगहों पर नमाज पढ़ लेते हैं, तो ये गलत है। मस्जिद से जो भागेगा अल्लाह उसको अपने से दूर कर देगा, मस्जिद से दूरी अल्लाह से दूरी है। लेकिन अगर जैसा कहा कि अगर जगह नहीं है तो जहां तक सब का सिलसिला जाए सब मस्जिद में शामिल, सबको वही फजीलत हासिल होगी। जज़ाकअल्लाह खैरन व अहसन शेख साहब, बहुत बड़ी बात आज हमने सुने हैं, वो ये है कि मस्जिद से दूरी यानि अल्लाह से दूरी। अल्लाह सुबहान ताला मुझे और हम सबको जो इस वक्त मस्जिद से दूर हुए हैं, मस्जिद से मोहब्बत नहीं है,
नमाज के लिए अव्वल बिल अव्वल या अजान होने से पहले या अजान होने के बाद या नमाज शुरू होने से पहले नहीं पहुंचते हैं या नमाज को ही मस्जिद में नहीं जाते हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला हम सबको तौफीक दे कि हम मस्जिद पहुंचे और बाजमात नमाज अदा करें। जज़ाकअल्लाह खैर। जो है मेराज रिजवी साहब का है यूट्यूब पर, वो पूछते हैं कि कोरोना वायरस का वैक्सीन लेना जायज है? जायज है, उसमें हराम होने क्या हो, इलाज है। इलाज मा खलक अल्लाह दान इल्ला खलक लहु दवा फतदा हो या इबादल्लाह। अल्लाह ने जो बीमारी पैदा की है उसका दवा भी पैदा किया है, तो दवा इलाज जायज है। मुबाहात में से दवा इलाज ये मुबाह है, जायज है। तो वैक्सीन अगर लग रहा है तो लगवाना चाहिए। और फिर अब ये अख्तियार भी नहीं रहा, अब तो मतलब हुकूमतें इसको लाजिम कर रही है, सबको लगवाना ही है, सबको। एक बात दिगरे, अभी जो मुअम्मर लोगों को लगाने का ऑर्डर है, मुअम्मर जब खत्म हो जाएंगे तो दूसरे लोगों पर भी ये नाफिज किया जाएगा। उसके बगैर चारा नहीं, आप सफर नहीं कर पाएंगे, आप सफर नहीं कर सकते अगर वैक्सीन नहीं लगाएंगे। इसलिए एक जरूरत बन गई है वो, तो उसके लगाने में शरीय कोई कबाहत नहीं है। शेख हमारे पीछे हमारे साहबजादे खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि वैक्सीन दवा नहीं है तो क्या है, मुझे नहीं मालूम क्या होता। बोलो असल जरासीम ही होते हैं या वायरस है। जरासीम से मुकाबले की ताकत उससे पैदा होती है जो वैक्सीन लगाया जाता है, कि उसके अंदर जिस्म के अंदर ऐसा मादा दाखिल कर दिया जाता है कि जब अटैक हो तो उसका दिफा कर सके, अटैक हो तो दिफा कर सके। जज़ाकअल्लाह खैरन, ये तकदम के तौर पर है। जज़ाकअल्लाह खैरन वहसन जज़ा शेख। एक सवाल साहब ने यूट्यूब पर पूछा है, क्या रेस्टोरेंट में वेटर को टिप्स देना क्या रिबा में शामिल नहीं है? नहीं नहीं भाई, वो रिबा नहीं है, वो तो हदिया, तो हदिया है, बख्शिश, उसको बख्शिश और हदिया कहते हैं। लेकिन अगर आपकी नीयत ये है कि देंगे तो पहले नहीं देते, आखिर पहले नहीं देना चाहिए, पहले नहीं देना चाहिए ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें मुंतखब करके लाए, बाद खाने के बाद दीजिए, पहले मत दीजिए। अगर आपको शुबा है कि वो रिबा में हो जाएगा या उसकी वजह से आपकी खुसूसी रियायत करेगा वो, तो वो गलत है। लेकिन खाना खाने के बाद अगर बख्शिश के तौर पर, तोहफा और हदिया के तौर पर उसको कुछ देते हैं तो इसमें कोई शरम कोई कबाहत नहीं। जज़ाकअल्लाह खैर शेख। शेख हमारे जूम पर ही सवाल आया है पूछने वाले, एक मिनट। रफी साहब है, रफी शेख साहब है, पूछते हैं कि सलातुल तस्बीह के बारे में आपका ओपिनियन लीजिए। भाई सलातुल तस्बीह के बारे में मैं जो मुनासिब समझता हूँ ये है, अगर कोई पढ़ता है तो उसको रोके नहीं, और जो नहीं पढ़ते हैं उनको रग़बत न दिलाए, और ना पढ़ना पढ़ने से बेहतर है, ना पढ़ना पढ़ने से बेहतर है। और कोई पढ़ता है तो उसको रोके नहीं, और जो नहीं पढ़ता है उसको रग़बत न दिलाए, क्योंकि इस सिलसिले में जो रवायत है तसलसलातुत तस्बीह की उसके बारे में उलमा का इख्तिलाफ। शेखुल इस्लाम तैमिया, इब्न क़य्यिम, इब्न बाज़, इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह, सब के सब कहते हैं ये ज़ईफ़ है और सलातुत तस्बीह बिदअत। लेकिन हाफिज़ इब्न हजर और शेख अल्बानी वगैरह उसके तसहीह के कायल हैं, रवायत को सही कहते हैं। लेकिन जो इसमें महल नज़र चीज़ है कि मुख्तलिफ असानीद को जमा करके उसकी तस्हीह की जाती है, उसमें महल नज़र चीज़ है, एक मुनफरिद नमाज है, इस जैसी कोई और नमाज नहीं, इस जैसी और कोई नमाज नहीं है, मुनफरिद नमाज है। और इसमें जो है नमाजी की पूरी तवज्जो तस्बीहात गिनने में लगी रही, वो तादाद पूरी करने में लगी रहती है कि क़याम में, रुकू में, कौमे में, कादे में, हर जगह वो तस्बीहात पूरी करनी है मखसूस गिनती में। तो इसकी वजह से नमाज में खुशू और खुजू के ऊपर पूरी तवज्जो होने के बजाय उस तादाद पर पूरी तवज्जो इंसान की मरकूज रहती है। तो बहरहाल इसलिए जो है ये अल्लाह नहीं पूछेगा तुमने तलासुत तस्बीह नहीं पढ़ी, अगर बिदात है
तो अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। इसलिए ना पढ़ना पढ़ने से बेहतर है, लेकिन चूंकि उलमा के जमात ने उसको सही कहा, इसलिए अगर कोई पढ़ता है तो हम रोकेंगे नहीं और उसकी किसी को रगबत नहीं दिलाएंगे। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलाम वालेकुम मुजीब भाई, मेरे पास यहाँ दो सवाल आए हैं पीएम में। एक तो जूम पे डायरेक्ट पीएम किया गया है, वो सवाल ये है शेख, अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। सवाल ये है कि अगर कोई शख्स फजर की नमाज के वक्त सोता रहा, सोता रह गया और इसकी आंख इस वक्त खुली जब नमाज पढ़ने की ममानियत है, तो क्या वो फौरन नमाज अदा कर दे या इशराक के वक्त गुजरने के बाद कजा कर ले? नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन नामा और नसिया फलयुसल्लिहा इज़ा ज़कर, जो भूल जाए और सो जाए तो जब याद आए, जब बेदार हो उसी वक्त पढ़ ले, फइन्न ज़ालिका वक्तुहा, यही उसका वक्त है, उसका कसूर नहीं है। इन्नमा तफरीत फिल यक़्ज़ा लैस फिल नौम तफरीत, कोताही सोने में नहीं है, बेदारी की हालत में ताखिर करता है उसमें कोताही है, तो उसका वही वक्त है, उसके लिए ममानियत का वक्त नहीं है, उसके लिए ममानियत का। जैसे अल्लाह के नबी सल्लम की दूसरी हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहीहन के, मन अदरक रकअतन मिनल फज्र क़ब्ल अन तुलू अश-शम्स फ़क़द अदरक अल-फज्र, जिसने फजर की एक रकात पढ़ने का मौका पा लिया सूरज तुलू होने से पहले, उसने फजर को पा लिया, वो नमाज शुरू कर दे पढ़ ले, फिर सूरज निकलता रहे कोई बात नहीं, उसके लिए ममानियत नहीं है। मन अदरक रकअतन मिनल असर क़ब्ल अन तग़रुब अश-शम्स शम्सु फ़क़द अदरक अल-असर, जिसने एक रकात पढ़ने का मौका पा लिया सूरज गुरूब होने से पहले, उसने असर की नमाज पा ली, वो पढ़े उसको चाहे सूरज गुरूब होता रहे, तो ऐसे शख्स के लिए ममानियत नहीं है, ये वाजे होना चाहिए। उसको उसी वक्त पढ़ना है जब उसकी नींद बेदार हुई और जब वो उठा। शेख साहब यहाँ वजाहत कीजिएगा कि क्या वो उठने के बाद पहले दो रकात सुन्नत पड़ेगा कि हाँ, सुन्नत पहले सुन्नत पड़ेगा, पहले सुन्नत पड़ेगा फिर फर्ज पड़ेगा। जज़ाकल्लाह खैर शेख। शेख और एक सवाल है, एक साथी पूछते हैं कि ऐसी कोई हदीस है जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 रकात नमाज पढ़ाई और जब उनको बताया गया तो वो आके सजदे सौ किया? हाँ। और इसमें इसके साथ उनका सवाल है, और एक जब उन्होंने ऐसा अगर वाकई ऐसी हदीस है और उन्होंने ऐसा किया है, तो जो जो सहाबी उनके साथ थे तो उन्होंने शामिल होके वो सजदे सौ कर लिया होगा, लेकिन जो लोग मस्जिद से निकल गए होंगे या ऐसा मौका अभी के हाल ही में ऐसा मौका आ जाए कि अगर किसी इमाम ने 5 रकात पढ़ लिया और उसने सजदे सौ किया लेकिन लोग मस्जिद से बाहर निकल चुके होंगे, तो उनके बारे में क्या? इसीलिए तो कहा जाता है कि मस्जिद से जल्दी ना भागे, जल्दी नहीं विश्राम फिरते भाग गए भाई। सलाम जैसे आपने फेरा, 5 रकात पढ़ाई, बुखारी की रवायत है, अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला ने इस रवायत के रावी है, या आपने 5 रकात पढ़ाई सलाम फेर दिया, सहाबा ने पूछा फौरन कि या रसूलुल्लाह क्या नमाज में कोई तब्दीली आई है? कहा नहीं। कहा आपने 5 रकात पढ़ी है, फौरन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा किया, सहाबा ने आपके साथ सजदे सौ किया, तो इतना जल्दी कैसे कोई भागेगा कि उधर जो है नमाज के बाद याद आए फौरन भाग जाए लोग? और अगर कोई भाग गया उसका अपना मामला है, इंशाल्लाह उसको कोई नहीं है, सजदे सौ नहीं पाया उसको तो यकीन था कि नमाज हो गई, उसकी नमाज हो गई। शेख साहब अगर ऐसा हालत हो गई कि उन्होंने 5 रकात नमाज पढ़ाई और किसी ने उनको बताया कि आपने 5 रकात नमाज पढ़ाई है, तो उन्होंने क्या सिर्फ 2 सजदे सौ करना है उसके बाद सलाम फेरना है या तस्बीह भी तहियात भी पढ़नी है? नहीं नहीं तहियात नहीं पढ़ना है, सिर्फ 2 सजदे करके दोनों तरफ सलाम करते। जज़ाकअल्लाह खैर शेख। मुजीब भाई आप सवाल ले लीजिए। सजदे सौ के बाद तशहुद नहीं, अगर सजदे सौ सलाम के बाद करते हैं तो तशहुद दोबारा नहीं पढ़ना। जज़ाकअल्लाह खैर शेख। मुजीब भाई एक उर्दू में भी सवाल है, वो भी ले लीजिए जूम पे, और आपके पास कुछ सवाल है तो पूछिए। और काशिफ भाई का हाथ उठाए, हम चाहें तो काशिफ भाई को पहले मौका दें, वो सवाल पूछ सकते हैं। काशिफ भाई अगर आप अपना सवाल पूछना चाहें तो पूछ लीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख साहब जैसे अभी आपने बोला कि ये सलातुत तौबा है, तो अगर हम लोग पूरा दिन हम लोग तौबा इस्तिगफार करते रहते हैं तो वो काफी होगा या सलातुत तौबा पढ़नी पड़ेगी? सलातुत तौबा लाजिम नहीं मेरे भाई, सुन्नत है।
मुस्तहब है, ये मुस्तहबाब के दर्जे में है। लाजिम नहीं तौबा के लिए कि दो रकात नमाज पढ़ के ही तौबा करें, हर वक्त तौबा करते रहना चाहिए, लेकिन ये मुस्तहब है कि अगर आपसे कोई गुनाह हो गया है और आप उससे तौबा करना चाहते हैं तो दो रकात नमाज पढ़ें अल्लाह ताला से तौबा। लेकिन तौबा इसका मतलब नहीं कि हर वक्त दो रकात पढ़ते रहें, तौबा इस्तिग़फ़ार तो कसरत से करते रहना। अल्लाह जी सुनाते हैं यतूबू फिर यौम मियत मर्रा, मैं दिन में 100 मरतबा तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ, अक्सर मिन सबईन मर्रा 70 मरतबा से ज्यादा तौबा इस्तिग़फ़ार। एक एक मजलिस में अल्लाह के नबी से सहाबा गिनते थे, एक एक मजलिस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है 100 मरतबा रब अग़फ़िर जो है कहा करते थे, रब अग़फ़िर ली व तुब अलैया, रब अग़फ़िर ली व तुब अलैया, ये 100 मरतबा एक एक मजलिस में जो अल्लाह के सब कहते थे। तो सलातु तौबा ये वाजिब और फर्ज नहीं है, ये मुस्तहब है। आपसे कोई जुर्म हो गया, कोई गुनाह हो गया, तौबा करना चाहते हैं तो दो रकात नमाज पढ़िए तौबा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर इसका तरीका बस नॉर्मल नमाज पढ़नी है, नॉर्मल दो रकात, नॉर्मल दो रकात। उर्दू में सैयद शफी साहब पूछते हैं, क्या हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं जानता हूँ कि इसमें फायदा मंद चीजें हैं, लेकिन इसमें ज्यादा खराब चीजें हैं, लिहाजा हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ऐसा साहब देखिए, अगर आपको अपने नफ्स पर कंट्रोल है तो मुफीद कामों के लिए उसको इस्तेमाल कीजिए, मुफीद कामों के लिए इस्तेमाल कीजिए, इससे फायदे हैं, मुफीद कामों के लिए मीडिया को इस्तेमाल कीजिए। लेकिन अगर आपको अपने नस पर कंट्रोल नहीं और आप खतरा महसूस करते हैं कि हम बहक जाएंगे तो मत इस्तेमाल कीजिए। एक YouTube के ऊपर एक सवाल आया हुआ है, हमारे मेराज रिजवी साहब ने पूछा है, वही शायद वो वैक्सीन के ऊपर ही उन्होंने बात रखी है। ऐसा कहा जाता है कि वैक्सीन में खिंजीर के गुण मौजूद है, गुण और क्या मौजूद है, गुण गुण यानी क्या बोलेंगे उसकी, खिंजीर का गुण बोलते ना, ये लड़की के अच्छे गुण है, वो लड़की के अच्छे गुण है, अच्छे गुण अच्छा खैर कुछ भी है। देखिए वो कहते हैं वैक्सीन में खिंजीर के गुण मौजूद है, और दूसरी बात ये कि ये वैक्सीन सिर्फ अभी टेस्टिंग फेज में है। नहीं देखिए, हर एक अपने जो आज मुसीबत ये है कि हर एक जिस मैदान में चाहता है बात करता है, भाई जिसका जो तखस्सुस हो वो बात करे ठीक है, हर किसो ना कर जहां बैठ करके। अब कोरोना कोरोना के बारे में कितने बयानात रोजाना आते हैं, हर एक जो पाता है बकता है, किसी को तहकीक नहीं है। तो जब तक आपको कोई बात आप रिसर्च करके तहकीक के दायरे में ना पहुंचे हो, जुबान नहीं खोलनी चाहिए। ला तक्वमा लैस लका बिइल्म इन्ना समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका अनहु मसूल, जिसके इल्म ना हो उसमें गुफ्तगू मत करो, क्योंकि हाथ कान नाक ये सब के बारे तमाम आज़ा के बारे में अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूछेगा, कहाँ से कहा था आपने ये बात? अब आप ये कह रहे हैं कि उसमें खिंजीर का वो है, कहाँ से कहा है आपने? आपने देखा है, आप रिसर्च किए हैं, कैसे कहते हैं कि उसमें खिंजीर है? तो ये चीजें जो है अफवाहों के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। अरे हर चीज में लोगों को खिंजीर नजर आ जाता है, हर चीज में, तो कोई चीज खाओ ना पियो ना रो, हर चीज में खिंजीर। और दूसरी चीज ये है, ये भी आप मालूम होना चाहिए कि अगर हराम चीज की आमेजिश है किसी चीज में और हराम की चीज की वो माहियत और उसकी हकीकत बदल चुकी है, उसकी तासीर बदल चुकी है, तो वो हुर्मत के हुक्म में नहीं रहता। मिसाल के तौर पर शराब जैसे बहुत पहले से फुकहा इसकी मिसाल देते हैं, शराब अगर सिरका बन जाए, शराब अगर सिरका बन जाए, उसकी नशेपन जो है दूर हो जाए तो हलाल है, सिरका आप खाइए। शराब थी उसको ज्यादा दिन छोड़ दिया, वो सिरके में तब्दील हो गई, तो अब उसकी हकीकत खत्म हो गई, अब वो शराब नहीं है, अब वो सिरका है। तो उलमा ने इस चीज को बयान किया, अगर हराम चीज किसी चीज में उसकी आमेजिश की गई है और उससे उसकी माहियत बदल गई, उसकी हकीकत बदल गई, असल का कोई असर बाकी नहीं रहा है, तो फिर उसका इस्तेमाल जायज है। तो बहरहाल अवलम तो बगैर इल्म के कोई बात नहीं कहनी चाहिए,
हर चीज में आज कह रहे हैं इसमें खिंजीर उसमें खिंजीर उसमें खिंजीर, हर चीज में खिंजीर नजर आता है, हर चीज में शराब नजर आता है, और अपना कुछ करने को नहीं। भाई आप उसका बदील पेश कीजिए, अगर आप कहते हैं उसमें खिंजीर है ये है वो है तो आप उसका बदील पेश कीजिए। तो इसके लिए कोई तैयार नहीं होता कि उसका बदील पेश करो। अब दूसरे लोग जो तैयार करते हैं उस पर तनकीद करने में रहते हैं, यह गलत है। बगैर इल्म के कोई बात नहीं करनी चाहिए। एक सब सवाल आया है लेकिन वो क्लियर नहीं है, लेकिन मैं पूछ लेता हूँ। यूट्यूब के ऊपर एक सवाल आया है, क्लियर नहीं है शेख। सवाल ऐसा है कि अस्तगफार या वातुबू इलैही इज़ाफा कहना बेहतर है, समझ मुझे ही नहीं आई ये बात। मैंने उनको कहा है कि क्लियर नहीं है, नहीं अस्तगफिरुल्लाह वातुबू इलैही ये कहना चाहिए। तौबा भी है इस्तगफार, दोनों चीजें जमा हो जाती। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन वातुबू इलैही, अस्तगफिरुल्लाह वातुबू इलैही, अस्तगफिरुल्लाह तो भाई हदीस से साबित है। توب الى الله واستغفروا فاني اتوب في اليوم 100 مره، حديث الله قلنا يا ايها الناس توبوا الى الله واستغفروا فاني اتوب في اليوم 100 مره، تم توبوا استغفار كثيره من الدين من 100 مره توبه كرتو. جزاك الله خيرا واحسن الجزاء. سجاد بھائی آپ کے پاس اگر کوئی سوالات ہیں تو ٹھیک، نہیں تو آج الحمدللہ شیخ صاحب سے ہم نے کافی سارا فائدہ اٹھایا، हम मजलिस का इख्तिताम कर सकते हैं। शेख साहब इसी टॉपिक को कंटिन्यू किया जाएगा जैसा कि आपने कहा अगले हफ्ते इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि दो अहम चीजें रह गई है ना जी, एक तो जाफर सादिक के कूड़े हैं और दूसरे शबे मेराज। जी शेख, भाइयों से दरख्वास्त है शेख इख्तिताम करने से पहले कि आपके पास अगर कोई सवाल है या आपके कोई अपने पहचान वालों के पास इस रजब के महीने के लिए या कुछ हैं तो आप अपने सवाल तैयार करके ला सकते हैं और अपनी जो गलत फहमियाँ हैं उसे दूर कर सकते हैं। एज वेल एज जस्ट अ रिमाइंडर के तौर पे शेख के और दुरुस्त भी होते हैं जो कि कल है इंशाल्लाह, कुरान के इसके ऊपर है, तफसील कुरान पे सूरह सिजदा चल रहा है, और पीर के दिन अबू बकर सिद्दीक खुलाफाए राशिदीन की सीरीज है जिसमें अबू बकर सिद्दीक के बारे में चल रहा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। शेख जज़ाकअल्लाह खैर, आपने हमें